सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग में स्थित शाही गणेश मंदिर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शाही गणेश का हुआ शाही अंदाज में विसर्जन। राजा महाराजाओं के समय से इस मंदिर से निकाली जाती है ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने परंपरागत वेशभूषा में नाचते गाते भगवान गणेश को उनके धाम के लिए किया रवाना। चित्तौड़गढ़ में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति विसर्जन कार्यक्रम की सवेरे से ही हुई शुरुआत। दुर्ग से निकाली गई शोभा यात्रा के बाद कुकड़ेश्वर कुंड में शाही गणेश का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर 151 किलो के लड्डू बनाकर भगवान गणेश को भोग लगाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। 24 घंटे चलने वाले गणपति महोत्सव के तहत इस आयोजन में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए चित्तौड़गढ़ में जन सहयोग से भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। चित्तौड़गढ़ शहर के सूचना केंद्र के बाहर होता है ये बड़ा आयोजन, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता इस आयोजन से जुड़े रहते हैं। दोपहर 1 बजे से यहाँ विशाल भंडारा शुरू होता है, जो रात्रि लगभग 3 बजे तक गणपति भक्तों को भोजन प्रसाद उपलब्ध करवाता है। इस विशाल आयोजन के आयोजनकर्ता सुनील ढिलीवाल ने बताया कि पिछले वर्ष 45,000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिया था, इसलिए इस बार 51,000 श्रद्धालुओं का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रसाद को सभी आम जन में बिना किसी भेदभाव के वितरित किया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अमीर हो या फिर हो गरीब। इस प्रसाद को बनाने के लिए 125 हलवाइयों की टीम प्रसाद बनाने का काम करती है। हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते हुए देख रहे हैं हम, हर साल 5,000 की संख्या बढ़ती है। लास्ट ईयर 45,000 लोगों ने भोजन प्रसाद लिया था, इस साल हमने 50,000-51,000 का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं और दिनों दिन भक्तों का आवागमन जिस प्रकार बढ़ रहा है, निश्चित ही 8 वर्षों में इसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। कौमी एकता की मिसाल यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से चालू हो जाएगा, रात्रि को अंतिम जागी तक 1-2 बजे जितनी भी बजे। इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।